अस्सलाम वालेकुम। आज की हमारी वीडियो है और गेट पे। तो सबसे पहले और गेट की डेफिनेशन है, द सर्किट विच इम्प्लीमेंट दी और ऑपरेशन इज नोन एज और गेट। कैसा सर्किट जो के और ऑपरेशन को इम्प्लीमेंट करता है उसे हम कहते हैं और गेट। तो अब इसका देखते हैं ट्रुथ जो है वो टेबल। जी तो ये हमारे पास जो है वो और गेट का ट्रुथ टेबल है। यहाँ पे ए और बी हमारे पास जो है इनपुट हैं और एक्स हमारे पास यहाँ पे आउटपुट है। और यहाँ पे जो है वो अगर ये टोटल हमारे पास दो इनपुट हैं तो हम यहाँ पे जो है वो लेंगे टू की पावर जो है वो टू, और ये हमारे पास जो है वो आ जाएगा फोर के। यानी कि दूसरे लफ्ज़ों में यहाँ पे हमारे पास जो है वो टोटल जो है वो फोर जो है वैल्यूज जो है वो आ जाएंगी। तो यहाँ पे आप देख भी सकते हैं इसको हमने कैसे लिखना है। फिर पहला जो हमारा इनपुट है वहाँ पर हम लिखेंगे 2021 और दूसरे इनपुट में हम लिखेंगे 0101। ये जो है इसको लिखने का जो है वो तरीका होता है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास आउटपुट है। तो और गेट में जो है वो अगर हमारे पास जो है वो इनपुट की एक भी वैल्यू जो है वन आ जाए तो आउटपुट जो है वो हमारे पास इसका जो है वन हो जाता है। तो यहाँ पे जो है वो आप देख लें, जब दोनों इसके जो है इनपुट ज़ीरो हो जाएंगे तो इसका जो आउटपुट है वो ज़ीरो होगा, और अगर जो है इसके इनपुट में से एक भी वैल्यू जो है वन आ जाए तो इसका जो आउटपुट है वो वन होगा हमेशा। अगर दोनों ही जो है वन हो फिर जो है ये वन ही आएगा। यानी कि अगर इसके इनपुट में एक भी वैल्यू जो है वन आ जाएगी तो इसका आउटपुट जो है वन ही आएगा। और इसकी वैल्यू जो है वो आउटपुट की ज़ीरो कब होगी, जब दोनों के दोनों जो है वो इनपुट ज़ीरो होंगे। तो ये था इसका ट्रुथ टेबल। जी अगर जो है वो कहता है कि इट हैज़ टू और मोर जो है वो इनपुट, कि इसके दो या दो से ज़्यादा जो है वो इनपुट जो है वो हो सकती हैं। जैसे हमने अभी देखा भी है ट्रुथ टेबल में ए और बी जो है इसके इनपुट थे, उसका सिर्फ और सिर्फ जो है वो हैज़ ओनली वन आउटपुट, उसका सिर्फ और सिर्फ जो है वो एक ही जो है वो आउटपुट होता है। जी आगे जो है वो कहता है कि इसकी वैल्यू जो है वो कब जो है वो आउटपुट की वैल्यू कब वन होगी, कब जो है वो ज़ीरो होगी। जी पहला जो है वन के लिए कि दी वैल्यू ऑफ आउटपुट ऑफ और जो है गेट विल बी वन, कि आउटपुट की वैल्यू जो है वन होगी कब, वैन एनी वन ऑफ इट्स इनपुट जो है वो इज वन, जब इसकी इनपुट में से कोई भी जो है वो वैल्यू जो है वन हो जाएगी। इसके बाद जो है वो कहता है इसकी वैल्यू जो है वो जीरो कब होगी, दी आउटपुट जो है विल बी जीरो, इसकी आउटपुट की वैल्यू जो है वो जीरो होगी, व्हेन ऑल ऑफ इट्स जो है इनपुट आर जीरो, जब इसके सारे के सारे जो है इनपुट जो है वो जीरो होंगे। इसको बाद जो है इसकी रिप्रेजेंटेशन है। जी सिंबल फॉर और ऑपरेशन जो है इज प्लस, इसको हम जो है वो डिनोट करते हैं प्लस के जो है वो सिंबल से, और जो है वो गेट को। इसको हम कैसे लिखेंगे, इट्स जो है बुलन जो है एक्सप्रेशन इज एक्स जो है वो इज इक्वल टू ए प्लस जो है वो बी। इसको हम अगर आप रीड जो है वो आउट करना चाहें तो इसको हम रीड करेंगे एक्स इक्वल ए और जो है वो बी। यहाँ पे जो प्लस का निशान है ये जो है वो डिनोट जो है वो कर रहा है और जो है वो गेट को। अब इसके जो है वो हम देखेंगे सिंबल। जी ये हमारे पास जो है वो और गेट की जो है वो सिंबल है। ये जो है वो आप इसको जो है देख सकते हैं, ये जो है वो इसकी जो है वो डायग्राम जो है वो आपने इस तरह से जो है बनानी है। ए और बी यहाँ पे हमारे पास दो इनपुट हैं, ये हमें दोनों जो है इनपुट मिलके हमें एक जो है वो आउटपुट जो है वो दे रहे हैं जो कि हमारे पास है एक्स। और नीचे जो है इसका जो है ट्रुथ टेबल है, ये जो है वो आपको जो है पहले ही हो चुका है। शुक्रिया।